हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। शुरू करते हैं हम नान खटाई बनाना। उसके लिए मैंने हाफ कप शुद्ध घी लिया है। घी मेल्टेड नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा ऐसे सॉलिड ही होना चाहिए। अब हम इसमें हाफ कप पाउडर शुगर डालेंगे। तो ये जो घर की ही शुगर होती है उसे मैंने क्रश कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि जब तक ये लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। हम जैसे जैसे इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारे मिश्रण का कलर एकदम से चेंज हो गया है। अभी हम 2 मिनट के लिए और इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के बाद हमारा मिश्रण एकदम हल्का हो गया है। आप देख सकते हो ये थोड़ा फूल भी गया है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये हाफ कप मैदा है, तो जितना हमने पाउडर शुगर और घी लिया है उतना ही मैदा लेना है। 1/4 कप बेसन, तो मैदा जितना है उससे हाफ बेसन लेना है। 1/2 टेबल स्पून सोजी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबको हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितनी इलायची पाउडर डालेंगे। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसे ऐसे थोड़े हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे। हाथों से हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। ये नान खटाई का डो हमारा एकदम परफेक्ट रेडी है। इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये डो हमारा एकदम परफेक्ट रेडी है। हमारी सारी नान खटाई सेम साइज की हो इसलिए हम ऐसे 1 टेबल स्पून की एक स्पून लेते हैं और इसे हम इस साइज की नान खटाई बनाएंगे। तो हम ऐसे छोटी छोटी साइज की ये नान खटाई बना के गोले बना के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रख देंगे। सारी नान खटाई के गोले हमने कर दिए हैं। इसके ऊपर हम ऐसे बादाम लगा देंगे। तो अगर आपको बादाम नहीं पसंद है तो आप पिस्ता या काजू या कुछ भी लगा सकते हैं। इसे हम प्रीहीटेड माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो तैयार है आज की हमारी रेसिपी नान खटाई। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अंदर से भी ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी हुई है। तो तैयार है नान खटाई। एंजॉय।